फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। इवनिंग का टाइम है और ये देखिए, बताया था ना, यहाँ पे एक वीकली मार्केट लगता है, मंडे मार्केट। और मंडे मार्केट से आया है हमारा सब्जी। और सब्जी जो आता है पूरा एक हफ्ते के लिए आता है, होता है कभी कभी कुछ चीजें बच जाती है, कुछ हम यदि एक्स्ट्रा कभी बाहर खाना वाना खा लेते हैं तो कभी सब्जी हमारा बच जाता है। और क्या होता है ना, ज्यादातर मैं प्याज, टमाटर और आलू, ये तो मैं मेरे पास रहता है तो भी मैं मंगवा लेती हूँ। अब कहेंगे ये ऐसा क्यों, तो इसलिए क्योंकि आलू रहता है और प्याज टमाटर रहता है तो कुछ ना कुछ ऑप्शन रहता है बनाने के लिए, क्या चलो आज सोयाबीन डाल के बना लिए या बड़ी बना लिए, तो ये दो चीज जरूरी होता है। तो और कोई ग्रीन सब्जी हो या ना हो, या कभी छोले बना लिया है, कभी कुछ। अब देख रही हूँ पांडे जी क्या क्या लाए हैं। क्या होता है ना, कभी कभी इनको बाहर भी जाना होता है, तो बाहर जाना होता है तो ये क्या करते हैं, कुछ ज्यादा भी सामान ले आते हैं क्या कभी कभी, कि मैं इधर उधर ज्यादा मुझे परेशानी ना हो जाए, तो फिर ये लाख ज्यादा रख देते हैं। और यहाँ से जो हमारे क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि खत्म हो जाता है तो मैं ऐसे ले लेती हूँ नीचे से जो आते रहते हैं बेचने के लिए, लेकिन क्या होता है उनकी ताजी नहीं होती है, उतनी ताजी नहीं होती है जहां से लेके आते हैं पांडे जी मार्केट। बगल में जो हमने बताया था वीकली मार्केट है, तो वहां का सब्जी जो होता है ज्यादा ताजा ताजा होता है। देखिए कितना ताजा ताजा है, काफी ताजा होता है और अच्छा होता है, तो वहीं से ये लेके आते हैं, तो हमें इधर उधर ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है, सब्जी के पीछे भागना नहीं होता है, आराम से फिर हम अपना कुछ भी बनाते रहते हैं, कभी कुछ बना लिया कभी कुछ बना लिया। ये देखिए लंच है तो बिल्कुल खत्म हो गया था हमारा। और ये देख रहे हैं हालत, पेपर में ये देना पड़ रहा है आजकल, पन्नी तो जानती ही है नोएडा में पन्नी बंद हो गया है, तो चलिए अच्छा है पन्नी बंद हो गया है तो काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी आदत पड़ गई है ना पन्नी की, तो कहीं भी जाती हूँ तो बड़ी दिक्कत सी हो जाती है पन्नी के बिना। क्या क्या है, मैं तो सोच रही हूँ करेला ही करेला है, लेकिन नहीं, मैं इसको खाती हूँ। अरबी देखिए, ये ला है अरबी, इसका भुजिया हम लोग बहुत पसंद करते हैं, शायद हमारी रेसिपी भी है इस पे चैनल पे डला हुआ। और करेला ये पांडे जी को ज्यादा पसंद है, पांडे जी क्या हम दोनों को ही पसंद है, ऐसा नहीं है कि उनको जो पसंद है हमें नहीं है। ये तोरी, टमाटर इसमें भी और पड़े हुए हैं मेरे, और धनिया की पत्ती, इसको मैं, ये जो धनिया की पत्ती है इसको मैं 15 दिन चलाती हूँ। ये 15 दिन कैसे चलाती हूँ ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये है, और ये है हरी मिर्च, और ये लहसुन है, एप्पल है, नींबू है। ये नींबू देखती हूँ तो बाहर से नींबू खरीदना होता है तो घर की याद आ जाती है, ये नींबू। और केला, अनार ला है, और ये आलू है, और ये आम, ये देखिए ये लगता है सीजन का आखिरी आम हमको खाने को मिला। पपीता, ये देखिए पपीता की रेसिपी मैं डालूंगी, पपीता के भुजिया बनता है, जूस वाला बनता है, बहुत ही अच्छा अच्छा रेसिपी है। और ये भुट्टा, ये देख रहे हैं ये 3-4 भुट्टा आया था लसका, लगता है एक भुट्टा पका के खाया गया है, मैं थी नहीं अभी, कहीं पे गई हुई थी मैं कहीं पड़ोस में, तो ये एक भुट्टा गायब है। खीरा भी जब ये पांडे जी लाते हैं तो देसी खीरा लेके आते हैं, अच्छा होता है खीरा भी ना, व्रत के लिए खीरा खाने में कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से खाया जाता है, मीठा भी नहीं होता है और अच्छा भी होता है टेस्ट खाया जाता है। यह खीरा और भिंडी और परवल, और भूलने के बाद ही सारा सब्जी मैं रखती हूँ फ्रिज में, बाहर सारा हुआ रहता है तो फिर बच्चे क्या होते हैं कभी भी उठाया और खाना स्टार्ट कर देते हैं।
ये पत्ती और हरी मिर्च को हम कैसे रखते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो हरी मिर्च है ना, इसका डंडी मैं तोड़ के उसके बाद फिर मैं इसमें रखती हूँ। ये कहते हैं क्या, डंडी तोड़ के रखने के बाद मिर्च हमारी खराब नहीं होती है, क्योंकि इस बीच में क्या होता है ना, कभी कभी पांडे जी नहीं जा पाते हैं, या कभी मन नहीं हुआ, दिल नहीं किया सब्जी मार्केट जाने का, या जानते ही है काम होता है, दस तरह का काम होता है, ऐसा नहीं है। हमारी वीडियोस में ये दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल मतलब काम नहीं है इनको, ये तो सब आप लोग जानते ही हैं। मैं तो इनको बस जबरदस्ती ले आती हूँ, मुझे अकेले ब्लॉग बनाना अच्छा नहीं लगता है इनके बिना, तो फिर इसलिए मैं इनको ले आती हूँ हमेशा। ऐसे इनको अच्छा नहीं लगता है, हमेशा मुझे मत लाया करो, लेकिन मुझे इनके बिना कोई ब्लॉग मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं इनको हमेशा ही शामिल कर देती हूँ हर ब्लॉग में। जब सब्जी आप धुल के समेट के आप अच्छे से रखेंगे ना, तो आपकी पूरा फ्रिज भी क्लीन नजर आए। ये हमने रख लिया एक तरफ हरी मिर्च और एक तरफ धनिया की पत्ती, और इसको मैं अब पैक कर देती हूँ। जब भी खाना बनाना होगा तो हम फटाफट से निकालेंगे और उसको कट कर देंगे। ये भी देख लिया आपने, हमने इसको वॉश कर दिया है, और ये सब्जियां भी है सारे हमने धुल दिया, और ये टमाटर जो कि आपने देख लिया, और अब मैं इसको अच्छे से फ्रिज में सेट करके रख देती हूँ। ये देखिए क्या हो रहा है, सब्जी रखते रखते भुट्टा खाने को दिल कर गया परी का, और पांडे जी तो पहले पका के खा चुके हैं हमारे अब सेंट में ही, और मैं ये खाऊंगी। चलिए मैं भी खा लूंगी पहले भुट्टा, फिर सब्जी रखूंगी। फाइनली पक गया है, अब इसका मसाला तैयार होगा। अब मसाला क्या तैयार होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे, मसाला कैसे इसका भुट्टे के साथ खाया जाता है, और आप जो बाहर में खाते हैं इसमें लगा के उसका मसाला, और हम जो घर में तैयार करते हैं वो मसाला का टेस्ट कुछ अलग ही रहता है। आप भी जरूर एक बार ट्राई कीजिए। क्या है ना, देखिए ये खुल गया है हमारा, इसको मैं सेट कर लेती हूँ थोड़ा सा, और मेरे पास कुछ है नहीं पकाने के लिए, तो मैं क्या करूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना मुझे। और ये जो खुल गया इसको मैं सेट करती हूँ, और क्या किया जाए, जब बाहर में रहते हैं आपको गांव के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, जुगाड़, ये है हमारा जुगाड़। इसको ना टाइट से लगाइएगा, नहीं तो ये खुल जाता है बाहर, और एक साथ दो भुट्टा तो आराम से आप पका सकते हैं। और इसकी जो आवाजें होती है ना, पट 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 पट, ये सुनिएगा, बड़ा मजा आता है। ये देखिए हमारा भुट्टा तो पक गया, आपने देखा ही किस तरीके से हमने पकाया है, और बहुत इजी है तरीका, उस तरीके से आप भी पकाइएगा, बहुत आसानी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये नमक, और ये है ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर जानती है काली मिर्च, और काली मिर्च आप घर में भी अपना पाउडर बना सकते हैं मिक्सी ग्राइंडर में, तो हमारा तो ये देख रहे रेडीमेड है, तो मैं यही यूज कर रही हूँ। बस इतना सा ये डालूंगी, और नमक में आपको जो भी नमक पसंद है तो डाल सकते हैं, और नींबू, बस ये तीन चीज का जरूरत है, और ये इतना टेस्टी होता है ना, मैं क्या बताऊं। चलिए ठीक है, अरे इसको ऐसे खाते हैं, गरम क्या लग रहा है इसके हाथों में, जो काला काला लग जाता है ना जब हम
आज का वीडियो मैं यही पे एंड करती हूँ। यदि आपको ये मेरा टिप्स अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और हमें बताइएगा क्या आप लोग इस तरीके से रखते हैं या नहीं। ठीक है, तो बाय।